नाम है उजंता का, दोस्तों आपका होस्ट आशीष चौधरी, और अब मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ रेडी क्लिफ स्कूल में, जी हाँ निकला मोर्चा क्षेत्रीय कामगार पक्ष का, जिसको की लीड किया राजेंद्र पाटिल जी ने, जी हाँ, और उनके साथ साथ थे प्रशांत पाटिल और उनके सारे लोग और पेरेंट्स लोगों का जमावड़ा था वहां पे, कई और चैनल्स भी थे लेकिन हमारे चैनल ने जो कवर किया वो हम आपको बताएंगे। जी हाँ, एक खुलासा मैं करने जा रहा हूँ, कई लोगों को ऐसा भ्रम रहता है कि वो मंदाताई माकरे का स्कूल है, लेकिन एक्चुअली राजेंद्र पाटिल जी ने बताया कि वो स्कूल जो है वो सिडको ने मंदा माकरे जी को प्लॉट दिया था, उन्होंने उसको रेडी क्लिफ के मैनेजमेंट को दे दिया और ये प्रॉब्लम जो है रेडी क्लिफ स्कूल से। तो आइए देखते हैं क्या क्या प्रॉब्लम है। हालांकि हमारे शिक्षा मंत्री जो कहते हैं वो तो कुछ और ही कहते हैं, लेकिन यहाँ जो ग्राउंड रिपोर्ट है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ पेरेंट्स की, कि वो पैसे भरे तो भरे कैसे, स्कूल क्या कर रही है। जी हाँ, और एक और खबर है कि राजेंद्र पाटिल ने कहा कि वो जो गार्डन है वहां का वो भी वो मांगेंगे कि वो शाम को सबके लिए खुले। तो आगे देखते हैं वो न्यूज। तो ये है रेडक्लिफ स्कूल, जी हाँ, जहां पे क्षेत्रीय कामगार पक्ष पेरेंट्स लोगों के साथ मिलकर एक मोर्चा लेके जाने वाला था, लेकिन स्कूल को खबर थी और स्कूल बंद करके सभी के सब चले गए। जी हाँ, कहाँ चले गए, कहाँ गायब हो गए पता नहीं। शिक्षा के नाम पे इस देश में लूट मारी चल रही है। जी हाँ, शिक्षण संस्थान जो हैं वो भारी रकम कमा रहे हैं। क्या होगा इस देश का, यही एक सवाल है, जनता से सवाल है। सिर्फ उल्वे नोट की जनता नहीं बल्कि पूरी देश की जनता, पूरे महाराष्ट्र की जनता से ये सवाल है कि आखिर इस देश का होगा क्या यदि शिक्षा तो नहीं सर, होगी क्या, तो आपकी क्या प्रॉब्लम है एज अ पेरेंट? मैं बैंक ऑफ अमेरिका में काम करता हूँ, लॉकडाउन के टाइम में अभी जॉब 50% सैलरी कम कर दी गई है और इन लोगों ने दो टर्म की फीस मांग की है, जो 10-10 हज़ार फीस है एक टर्म की। अभी फीस इतनी कम भरे की EMI भरे की फीस भरे, ऐसी हालत हो गई है। फिर भी हम लोगों ने स्कूल से मांग की थी कि आप ऑनलाइन चालू रखो, जब भी सैलरी बाद में ठीक से चालू हो जाएगी तभी हम लोग फीस भर देंगे। और उन लोगों ने क्या कि फर्स्ट टर्म का फीस ले लिया है, फिर दो चार दिन के बाद फोन किया कि सेकेंड टर्म का भी फीस भरना है, पर वो पब्लिक कोई नहीं भरा नहीं है, इसके लिए ऑनलाइन से सबको निकाल दिया है। तो यही दरख्वास्त है कि हम लोग सब यहाँ पे आज जमा हुए थे कि स्कूल वाले यहाँ पे हम लोग को मिलेंगे, पर वो लोग यहाँ पे आज आए नहीं डर के। तो ये ऐसा आंदोलन आगे भी चलता रहेगा, हम लोग रुकने वाले नहीं है। आपकी क्या प्रॉब्लम है, आप क्या प्रॉब्लम है? एक्चुअली मेरी हम लोग का एक का प्रॉब्लम नहीं है, पूरे स्कूल्स के जो पेरेंट्स हैं सही बात है, सही बात है, सही बात है। सभी की तरफ से बोल रहे हैं, हमारी खुद की तरफ से नहीं बोल रहे। हमने स्कूल को पहले से भी क्या रिक्वेस्ट की हुई है कि जो आप एजुकेशन दे रहे हो सारे बच्चों को एक साथ एक जैसे आप दो, आप आधे बच्चे को दे रहे हो आधे बच्चे को निकाल रहे हो, तो फिर बाद में आप रिजल्ट कैसे दोगे वो बच्चे लोग का, वो चीज तो आप बताओ। बुक्स के लिए आप 5-5, 6-6 हज़ार रुपए ले रहे हो, जो अभी जी लॉकडाउन में ऐसे पेरेंट्स की कंडीशन है कि उनको एक टाइम का खाना मिल रहा है तो दूसरे टाइम के खाने की बोलते ना कि पता नहीं कि पकेगा कि नहीं पकेगा, वो टाइम पे बच्चे लोग 5-5 हज़ार के बुक्स कहाँ से लेके आएंगे। वैसे इसमें पेरेंट्स को थोड़ा समझ के लेना चाहिए उन्होंने कि बच्चे पे क्या इंप्रेशन गिर रहा है पेरेंट्स का, कि बच्चे लोग क्या समझ रहे हैं कि हमारे पेरेंट्स हमें बुक नहीं लाके दे रहे, हमारी स्कूल नहीं अटेंड करा पा रहे। तो वो हम लोग ने बोला हुआ है कि आप एक साल के लिए बच्चे लोग को स्कूल कंटिन्यू करो, जो भी ऑनलाइन है वो स्कूल खत्म होते तो आप तो फी लेने वाले हो, छोड़ने वाले तो नहीं हो ना, तो वो तो हो जाएगा ना फिर। मैडम क्या आपकी क्या प्रॉब्लम है एज अ पेरेंट्स, आपकी क्या पेरेंट्स की मतलब कि ऑफलाइन मतलब ऑनलाइन जितना चल रहा था एक्चुअली बच्चे भी इतने हैरेस हो गए घर में रह के, पैनिक हो रहे। मुझे तो इतना ही बोलना है कि जो थोड़ा बहुत चालू था ऑनलाइन तो कंटिन्यू करो ना, जिन्होंने फर्स्ट क्वार्टर फी भरा सेकंड ने भरा उनको भी ऑफलाइन कर दे। अरे ये क्या है, उन्होंने फर्स्ट तो भरा, हम लोगों ने तो फर्स्ट या सेकंड जो भी नहीं भरा, क्योंकि ऑप्शन ही नहीं अभी पैसा भरने की, ये ही नहीं है क्योंकि दोनों हस्बैंड वाइफ सब घर पे है, एक महीना नहीं छोड़ के कम से कम मतलब 5 महीना तक ये हो गया है। मुझे तो इतना ही कहना है कि तुम लोग ही नहीं समझ, पूरी दुविधा तो सब जग पे आई, सिर्फ किसी के एक पर्सनल फैमिली भी नहीं पूरा। अगर सपोज लोगों ने ये सोच के चलो अभी हम लोग करते हैं चल सब काम चालू कर देंगे, कोई डिस्टेंस नहीं, कोई मास्क नहीं, कोई ये नहीं करेंगे, तो फिर तो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्शन आपको ही आएगा ना। अगर हम लोग ऑब्जेक्शन देते तो कि हम लोगों ने इतने साल फी भरा सब चीज ये किया ना, अभी प्रॉब्लम आया तो इसलिए
तो आपको क्या लगता है बच्चों के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है? हाँ, मुझे तो इतना ही नहीं, तो ऑनलाइन चालू करना चाहिए था, बच्चे जो भी था एटलीस्ट वो जो बेसिक तो समझ सकते थे ना, पढ़ रहे थे, इन लोगों ने वो भी बंद कर दिया। बच्चों तो अगर इनमें थोड़ा सा भी ये है कि बच्चों को लेके अगर ये सच में गुरु है या कोई शिष्य को ये चाहते है तो सिर्फ पैसा कमाने वाली कंपनी ये है, तो फिर ये लोग कभी नहीं समझेंगे किसी के बच्चे ये उनके फ्यूचर का एक साल बर्बाद हो जाएगा, कुछ हो जाएगा। अगर ये लोग सच में गुरु है तो इन्होंने तो कंटिन्यू करना है। जिस दिन स्कूल चालू हो जाएगा सब पेरेंट्स लोग उससे तब से फी भरना चालू कर देंगे। करेक्ट, जो भी रहेगा कैसे करना पड़ेगा, क्योंकि हम सबके और किसी कौन भरेगा, सब किसी को एक बच्चा रहता है, किसी को दो तीन, वो लोग कैसे करेंगे, एक मैनेज होगा, लेकिन दो तीन बच्चे मैनेज नहीं होंगे ना, सबका प्रॉब्लम है। घर पे रह के खाना तो खा रहे, सब कर रहे ना, कोई चीज ऐसा नहीं कि कम हो रहा है, सिर्फ हमारा जॉब बंद है कंपनी, गवर्नमेंट को कोई इशू नहीं हुआ, हुआ तो प्राइवेट वाले को हुआ, छोटे मोटे बिजनेस वाले को हुआ है, बाकी लोग तो गवर्नमेंट का और मंत्री लोग का सबका तो सही चल रहा है ना, उन लोगों में कुछ नहीं दिक्कत आई। जिसके घर में प्रॉब्लम है उनको सोचो, बोलना सर, जो सामान्य लोग है उन लोगों को बहुत बड़ी पड़ है, जो रेंट पे रहती है महीने का रेंट जा रहा है, इलेक्ट्रिसिटी बिल का तो बोलो ही मत, उन्होंने ऐसा भेज दिया है जैसे कि कुछ है ही नहीं उसके पीछे आगे पीछे। तो इस स्कूल के बारे में आप क्या सोचती हैं? मुझे तो ये स्कूल का तो कुछ समझ में नहीं आया, उधर वाले ने फी लिया नहीं लिया, दिल्ली पब्लिक वाले किसी ने फी नहीं लिया, सिर्फ रेड क्लिप ने फी की डिमांड की और सब लोग को परेशान किया फोन करके। मुझे तो ये पता रेड क्लिप का गलत है, उन लोगों ने खुद समझदारी से लेना चाहिए था, नहीं तो मुझे तो लगता है इन लोगों को फिर तो इन लोगों ने खुद को समझना चाहिए, नहीं तो फिर हम लोग ऑब्जेक्शन लेंगे सीधा, हम लोग शिक्षा मंत्री या मंत्री की लपाट जाके या वही करेंगे। क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे, क्या आपको कैसे है? यहाँ पे सब जितने भी आए उलवान रोड में रहने के लिए उन लोग स्कूल नजदीक करके रेड क्लिप स्कूल में उनको एडमिशन लेते हैं, लेकिन इन लोग की इतनी मनमानी चालू है कि जो उनको लगे वैसे ही फी लेते हैं। आजकल ये COVID-19 के इसमें लोगों को खाने के लिए पैसा नहीं है, बहुत से लोगों के काम बंद हो गए, फिर भी उन लोग ये कर रहे हैं, स्कूल वाले मैनेजमेंट ये कर रहे हैं कि अगर आप पैसा भरोगे तो ही आपको ये बच्चे को पढ़ाया जाएगा, तो ये गलत बात है। शिक्षण तो सबका अधिकार है शिक्षण के ऊपर, तो उन लोग ने एटलीस्ट ऑनलाइन तो भी पढ़ाना चाहिए। जिन पेरेंट्स लोग ने फीस भरा है 5,000-5,000 10,000 उन लोग के बच्चे लोग भी तो वैसे ही रह जाते हैं, जिन्होंने नहीं भरा उनके बच्चे को भी पढ़ाया नहीं जा रहा है, जिन्होंने भरा है उनके बच्चे लोग को भी पढ़ाया नहीं जा रहा है, तो ये गलत बात है। शिक्षण तो सबका अधिकार है इसके ऊपर। जी बिल्कुल बिल्कुल, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने यही ये किया है कि शिक्षण वागिनी से दूते जी, और ये पीतो तो गुरगरल्या शिवाय राहणार नाही। बरोबर, हे शिक्षणाविरुद्ध आंदोलन करतात राजन पाटील साहेब, प्रशांत दादा, त्या लोकांना शिक्षणाचं महत्व माहिती आहे म्हणून ते पालकांसाठी रात्रंदिवस झटतात। बरोबर आहे। प्रशांत जी, आप इस परिस्थिति को किस तरह से देख रहे हैं? ये मैन स्कूल रेड क्लिप का मजदूरी चल रही है जी, ये लॉकडाउन में भी अगर बच्चों को ऑनलाइन क्लास से ऑफलाइन कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं जी, ये गलत है, ये अन्याय के विरुद्ध हम आज उन्होंने आ रहे इसलिए गेट बंद किया, स्कूल बंद किया है, कितने दिन तक स्कूल बंद रखेंगे? जिस दिन खोलेंगे उस दिन हम इधर खड़े रहेंगे जी, और इनको पूछेंगे ये क्यों कर रहे हैं जी। तो आगे का स्टेप, मतलब ये तो भाग जाते हैं तो आप इनको पकड़ोगे? आज ना कल तो स्कूल वो करेंगे ना ओपन, वो दिन आएंगे हम जी, कितना दिन छुपेंगे? सही बात है। ये रेड क्लिफ का मोर्चा था और देखा गया कि रेड क्लिफ वाले दरवाजा बंद करके भाग गए, तो ये क्या है, डर गए क्या आपसे? हम लोग उनको बोले थे कि शेतकरी कामगार ट्रस्ट के तरफ से हम लोग यहाँ पे आज आने वाले हैं जी, लोगों के प्रश्न के ऊपर जवाब उनको पूछने के लिए कि उन लोगों ने अन्याय किया है जी, सब लोगों के ऊपर इलीगल फीस बढ़ाई है, ऑनलाइन फीस कोई नहीं भरता है तो उन लोग को तुरंत कट ऑफ करते हैं, जैसे कि लॉकडाउन में अभी 4 महीने लोगों की बहुत बुरी हाल है, बगैर रनिंग फुलफिल करने के लोगों के पैसा नहीं है, रेंट पे है तो रेंट भरने के लिए पैसा नहीं है, तो इस बुरी हालत में यदि कोई शिक्षण संस्था ऐसी पैसे मांगती है और बार बार टॉर्चर करते हैं, हैरेसमेंट करते हैं, तो बेलाशक हम शेतकरी कामगार ट्रस्ट के कार्यकर्ता करते हैं जरूर है। लेकिन सर शिक्षा मंत्री ने तो इस बारे में छूट भी दी हुई है, छूट दी है, लेकिन ये जो स्कूल है, स्कूल का प्लॉट भाजपा के विधायक मंदा मात्रे जी को सिर्फ अलॉट की है, मंदा मात्रे जी ने ये ट्रांसफर किया रेड क्लिफ स्कूल को, और रेड क्लिफ स्कूल बड़ी तरह से बहुत 70,000-80,000 रुपए
सालों के एक भी स्टूडेंट फी लेते हैं तो ये बहुत अन्यायकारक है। स्थानिक पीपी लोगों का पीपी लोगों को भी इस स्कूल के फीस में कटौती होनी मांगते हैं, 50% डिस्काउंट तो होना मांगता है, ये भी रहा हमारी डिमांड है जी। सर तो आप नॉन टीचिंग जो स्टाफ है, नॉन टीचिंग स्टाफ में एक भी आदमी इन लोगों ने आज तक पीपी का कोई भरा नहीं जी। तो सर आप और शेतकरी कामगार पक्ष इसमें किस तरह की भूमिका निभाएंगे? हम लोग और एक भूमिका ऐसे निभाने वाले हैं कि जो आप ग्राउंड देख रहे हैं ये ग्राउंड शाम को 5 बजे पब्लिक के लिए खुलना मांगता है, ऐसा सिडको का रूल्स एंड रेगुलेशन है जी। शाला स्कूल चालू होने के बाद ये भी हम लोग खुद आके ये ग्राउंड पब्लिक के लिए हम लोग ओपन करते हैं। तो ये है शिक्षण संस्थानों की हालत, आप देख ही रहे हैं सारे के सारे शिक्षण के जो संस्थान हैं, सारे के सारे तो नहीं बोलूँगा, कुछ अच्छे भी हैं लेकिन ज़्यादातर स्कूल वाले जो हैं वो इसी तरह से ठग रहे हैं गरीब जनता को। इस लॉकडाउन कोरोना महामारी के दौरान, ये कोरोना महामारी का जो इतना बड़ा चक्कर है, जी हाँ यही गार्डन है जिस गार्डन के बारे में राजेंद्र पाटिल जी ने कहा कि सिडको से बात करेंगे पब्लिक के लिए खोलने के लिए। दोस्तों और आपका होस्ट आशीष चौधरी, और यदि आपको पत्रकारिता चाहिए चाटुकारिता नहीं चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब का लाल बटन दबाइए और घंटी का बेल ऑन कीजिए।